ला दिया जाएगा। इसके ऊपर अमित अब कोई शंका भी नहीं बची रह गई है। ये जो एनकाउंटर हुआ है उसके ऊपर तमाम जो रिएक्शन आने शुरू हुए हैं वो भी जरा दर्शकों को हम सुनाते चले। गिरिराज सिंह ने इसी एनकाउंटर के ऊपर क्या कहा है वो सुनाते हैं आपको। लॉ एंड ऑर्डर अगर देखना हो कि लॉ एंड ऑर्डर किसको कहते हैं, सामान्य नागरिक कैसे अपने को सुरक्षित महसूस करता हो, तो बिहार के मुख्यमंत्री को भी योगी जी से सीख लेनी चाहिए। तो अलग अलग जो पॉलिटिकल रिएक्शन है वो भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इस एनकाउंटर के बाद वो लोग जो कि प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर क्यों तू डाल मैं पात पात का ये जो खेल है वो इतने लंबे दिनों से चल रहा है उसका दी एंड यहाँ एक जगह तो होता हुआ अब दिखाई दे गया है। बाकी जगहों पर भी जाहिर सी बात है दबिश अब आगे बढ़ रही होगी और वो लोग जो भागे हुए हैं उन सब तक पहुंचने का रास्ता वही है कि मददगारों तक पहले पहुंचो, जैसे असद का एनकाउंटर हुआ है, मोहम्मद गुलाम का एनकाउंटर हुआ है, इन तक पहुंचने के लिए भी इनके मददगारों तक पहले उत्तर प्रदेश एसटीएफ पहुंची थी। और फिर कैसे जो ये खबर मिल रही है कि खालिद की जब गिरफ्तारी हुई थी दिल्ली के संगम विहार से तो उसने अपना मुंह खोला और बोला कि दिल्ली से निकल करके ये दोनों कहां भागे हैं। उसके बाद झांसी में हुआ एनकाउंटर और उसी एनकाउंटर की तस्वीर है आपके सामने कि कैसे अभी फिलहाल बिल्कुल हम आपको सुनाते हैं कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने जो ये सब पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया है तो उससे जुड़ी हुई क्या जानकारी हमें अधिकारी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमिताभ जी, काफ़ी मेहनत के बाद एसटीएफ की टीम ने फाइनली इनको ट्रैक डाउन करने में इनको सफलता प्राप्त हुई। हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, तो एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी। और झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई है इसमें असद और गुलाम जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे वो मारे गए हैं। इस घटना को पूरे देश ने लगभग लाइव देखा था क्योंकि सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध थे और किस तरह से इस पूरे गैंग ने कार्रवाई की थी। ऐसे व्यक्ति को जो उनके खिलाफ गवाह था और उसको पुलिस की सिक्योरिटी प्राप्त थी, दो दो गनर्स थे, उसको तथा उसके दोनों गनर्स को मार दिया था। ऐसे व्यक्ति को पकड़ना बहुत आसान नहीं था, लेकिन फाइनली आज ट्रैक डाउन करके तो उमेश पाल के दोनों गनर्स को मारा और कैसे घेर कर मारा वो तस्वीर तो सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया हमने आपको दिखाई। अब उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम देने वालों का क्या हश्र हुआ है इस एनकाउंटर के जरिए वो भी हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। अमित का एक बार फिर से मैं रुख कर लेती हूँ। अमित, कितने दिन से झांसी में दोनों रुके हुए थे, क्या अभी पहुंचे थे, आगे बढ़ रहे थे और एनकाउंटर में मारे गए या पहले से पनाह लिए हुए थे झांसी में, कुछ उसके बारे में भी अभी तक डिटेल सामने आ पाई है क्या? देखिए, ये अजमेर गए हुए थे और अजमेर से ये वापसी कर रहे थे, बाइक के जरिए ये अजमेर से वापसी कर रहे थे और उसके बाद अजमेर में धाक लगाकर वहाँ पर पहले से अलर्ट यूपी एसटीएफ की टीम थी। बीमल कुमार जो कि डीएसपी हैं, सीओ रैंक के अधिकारी हैं, अब उनके नेतृत्व में पुलिस टीम वहाँ पर थी। जैसे उनको वो पहले से ही अलर्ट मूड पे थे, वो लगातार सर्विलांस में लिए हुए थे, लगातार वो जानकारी हासिल कर रहे थे, मूवमेंट के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। लेकिन जहाँ भी वो लोग जाते थे असद जो है 15 से 20 मिनट पहले वहाँ से निकल जाता था, तो इस बार उनको पुख्ता जानकारी मिली थी उनके इन्फॉर्मेशन से और जो नंबर वो इस्तेमाल कर रहा था वो नंबर कहीं ना कहीं ट्रैकिंग पे लगा हुआ था, गुलाम और असद दोनों। और उसके बाद क्या होता है कि जब वो झांसी पहुंचते हैं तो विमल कुमार अलर्ट करते हैं कि आप पुलिस के गिरफ्त में हो तो कृपया भागने की कोशिश नहीं करना, लेकिन दोनों के पास सोफिस्टिकेटेड हथियार होते हैं, वो पुलिस टीम पर फायर कर देते हैं और जिसके बाद पुलिस जब यूपीएसटीएफ के विमल कुमार की टीम जब जवाबी फायरिंग करती है तो वो ढेर हो जाते हैं। तो फिलहाल असद ढेर हो चुके हैं, गुलाम ढेर हो चुके हैं और अब बारी है अगला शाबिर और गुड्डू मुस्लिम की, वो पुलिस के रडार पर है और काफी क्लोज यूपीएसटीएफ उन तक पहुंच चुकी है इस वक्त। जी बिल्कुल, और जैसा मैंने कहा कि अब इस एनकाउंटर जो हुआ है उससे जुड़े हुए पॉलिटिकल रिएक्शन भी सामने आने शुरू हो चुके हैं, तो बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने इस पूरे एनकाउंटर के ऊपर क्या कहा सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने असेंबली के अंदर कहा था कि माफिया और डॉन को हम मिट्टी में मिला देंगे और उस दिशा में कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, ये भी साबित होता है जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो करके दिखाया। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने वही कार्य किया जिसके लिए वो संकल्प उनका था कि हम क्रिमिनल्स के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे। आज उसी दिशा में कार्रवाई हुई है, बहुत बड़ी कार्रवाई है। जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी मजाक उड़ाती थी
आज उनसे पूछा जाएगा कि आप क्यों नहीं कर पाते थे। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, सिद्धार्थनाथ सिंह को भी आपने कहते हुए सुना कि ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, और जाहिर सी बात है इतने दिनों से चकमा देने वाले अतीक के बेटे और मोहम्मद गुलाम तक पहुंचना पुलिस के लिए आसान इसलिए नहीं था क्योंकि वो जिस भी जगह जाते थे वहां पर उनके मददगार पहले से मौजूद रहते थे। किस फोन का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यूपीएसटीएफ ने किस तरीके से कार्रवाई की है। झांसी में एनकाउंटर हुआ है अतीक के बेटे का, और लोकेशन की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे इस वक्त दर्शक देख पा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान एक बार फिर से चर्चा में, माफिया को मिट्टी में मिला देने का, और ये तस्वीरें इसी बात की तस्दीक करती। आज जब झांसी के इलाके में अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम की मौजूदगी की खबर मिली, घेराबंदी की गई थी, लेकिन फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में 5-5 लाख के ये वांटेड अपराधी ढेर कर दिए गए, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं। एक तरफ तो अतीक अहमद की प्रयागराज कोर्ट में पेशी हो रही थी, वहीं उसे खबर मिली कि उसके बेटे का एनकाउंटर झांसी में हो गया है, जो अत्याधुनिक हथियारों के साथ फरार था, और पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में आखिरकार ढेर कर दिया गया। अतीक अहमद उमेश पाल मर्डर केस में जिस तरह से लगातार कार्रवाई आगे बढ़ रही है, कुछ लोग जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे सरेआम फायरिंग करते हुए, हमला करते हुए, बम बरसाते हुए, अब उन पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। अतीक के बेटे असद पर था 5 लाख रुपए का इनाम, साथ ही शूटर गुलाम भी, और दोनों एक बाइक से फरार हुए थे झांसी इलाके में, जहां की ये तस्वीरें आपके जुड़ी हुई। हर तस्वीर तो हम आपको दिखाई रहे हैं, घटना स्थल की अभी जो तस्वीर है वो आपके सामने है कि कैसे वहां पर अतीक के बेटे की भी अभी बॉडी पड़ी हुई है, उसका जो साथी था उसकी भी बॉडी पड़ी हुई है, और अब इस पूरे घटनास्थल को पुलिस की तरफ से घेर दिया गया है। घेर इसलिए दिया गया है ताकि साक्ष्यों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ ना की जा सके, ताकि अंदर कोई प्रवेश ना कर सके। एक घेरा आपको दिखाई दे रहा होगा, और अब इस जगह को घेर करके आगे की जो जांच पड़ताल है वो भी पुलिस की तरफ से की जाएगी, क्योंकि देखिए अगर कोई एनकाउंटर होता है तो उस पर भी जवाबदेही बनती है उस टीम की जिसने एनकाउंटर किया होता है। बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब दिया जाना जरूरी होता है, वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें एनकाउंटर के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए ये अभी जो आप देख पा रहे हैं इस पूरी जगह को घेर दिया गया है, जहां पर बॉडी आपको पड़ी हुई असद की दिखाई दे रही है, जहां पर मोहम्मद गुलाम की बॉडी आपको पड़ी हुई दिखाई दे रही है, साथ ही एक बाइक है, और जाहिर सी बात है ये दोनों बाइक से ही भागने की कोशिश कर रहे होंगे। तो अभी साक्ष्यों के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ ना हो सके, अंदर कोई प्रवेश ना कर सके, बिल्कुल, और इसीलिए इस जगह को घेर दिया गया है। अच्छा, ये एनकाउंटर की तस्वीर तो हम आपको दिखा रहे हैं, मिट्टी में मिली हुई इन दोनों का शरीर तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन वो बात भी आपको एक बार फिर से सुनाते हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ ने सबके सामने सदन में ये कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। सुनिए आप। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी, लेकिन चोरी और सीमा चोरी दोनों नहीं कर सकता। तो अब कथनी और करनी में कोई फर्क तो नहीं रह गया ना, वो तस्वीर अब पूरा देश देख रहा है कि कैसे असद मिट्टी में मिल चुका है, और कैसे उसका साथी मिट्टी में मिल चुका है, और कैसे अतीक जिसकी कल तक हेकड़ी दिखाई देती रही है आज वो भी मिट्टी में मिलता दिखाई दिया है, उसकी भी आंखों में आंसू दिखाई दिया है। और अब बड़ा सवाल इसी के साथ ये उठ रहा है कि अगला नंबर किसका, क्योंकि पुलिस अगर आपका गिरेबान पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप भागने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर एनकाउंटर की तस्वीर जरा और कोई देख ले, हश्र यही होगा, और इसके ऊपर बाकायदा जो अधिकारी है वो भी खुशी जाहिर कर रहे हैं, और हर एक रिएक्शन जो हमारे पास सामने आ रहा है वो यही आ रहा है कि ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, इसे छोटी मोटी कार्रवाई ना समझा जाए, और साथ ही ये अतीक के बेटे का एनकाउंटर हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि झांसी में अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए यह बड़ी सफलता, ये अतीक के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ है, और दो जो 5 लाख के जो इनामिया जो अपराधी थे, बदमाश थे, असद और गुलाम, फिलहाल उन दोनों की मौत हो चुकी है।